नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ रिशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रुटकी में नगर निगम के चुनाव की तैयारियां जोरों पर, पोलिंग पार्टियों को किया मतदान केंद्र के लिए रवाना। 12 सेक्टर और 2 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी पहुंचे हरिद्वार। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान। देहरादून में राज्य सरकार की मुहिम साकार रूप लेती। थीम आधारित योजना के तहत सभी जिलों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। और अब खबरें विस्तार से। 22 नवंबर को रुड़की चुनाव के लिए अब पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा सारी तैयारियां 22 नवंबर की कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि BSM इंटर कॉलेज में सभी पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी सामग्री के साथ रवाना किया गया। रुड़की नगर निगम के 40 वार्डों के 1,49,538 मतदाता अपना मेयर और पार्षद चुनेंगे, जिसमें 53 मतदान केंद्र, 149 पोलिंग बूथ और 20 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी का कहना है कि पोलिंग पार्टियों के लिए 42 बसें लगाई गई हैं और 12 सेक्टर और 2 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारी लगभग पूरी तैयारी है। कल मतदान प्रारंभ होगा सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और अभी तक जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है। कहीं से कोई ऐसी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। बैलेट पेपर से हो रहा है। 2 तरीके के बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो वार्ड के जो सदस्य हैं उनके लिए एक मतपत्र बना है और एक बना है मेयर के लिए। तो हर एक बूथ में जो मतदाता है उसको 2 मतपत्रों में अपना वोट अंकित करना है। उसके बाद जो बैलेट बॉक्स हमने दिया है उसके अंदर वो अपना वोट डालेंगे। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दें कि हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी अयोध्या से हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं और जो भी मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वह भगवान राम की औलाद हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान राम का भव्य और सुंदर मंदिर जल्द से जल्द बने। आपको बता दें कि स्वामी प्रबोधानंद गिरी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और लगातार चर्चा में आने के कारण हमेशा वो चर्चा में बने रहते हैं। लोगों की तो बात यह है कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, उनकी मानसिकता पाकिस्तान के परस्त की है, और जबकि वो है तो राम की औलाद, लेकिन वो अपने को राम को बाप मानने को तैयार नहीं है। और वास्तव में जो अपने बाप को बाप नहीं कहता वो काफिर होता है। ये उनके यहाँ भी ये व्यवस्था वो मानते नहीं है। इसके कारण से कुछ काफिर हैं जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो राम को अपना बाप मानने को तैयार नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां नए पर्यटक स्थल के विकास को लेकर कई मुहिम चलाई जा रही हैं। जहां आपको बता दें कि नए पर्यटक स्थल को विकसित करने को लेकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की राज्य सरकार की मुहिम साकार रूप लेती दिख रही है। थीम आधारित योजना के तहत सभी जिलों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कवायद तेज हो गई। उत्तराखंड पर्यटन एवं विकास परिषद की माने तो पिथौरगढ़, टिहरी, नैनीताल समेत कई जिलों में पहले चरण के कार्यों को गति देने की दिशा में कॉन्सेप्ट की राय ली जा रही है। अगले साल से प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया जाएगा, तो वही सरकार ने हर जिले में एक एक नए पर्यटक स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों में चयनित स्थलों का सर्वे और फिजिबिलिटी का अध्ययन कराने के बाद शासन ने नए स्थलों की थीम भी तय कर दी है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन ये राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है। इसमें मुख्यतः हम लोगों को ऐसे नए गंतव्य स्थान डेवलप करने हैं कि जो बहुत बड़ी कैपेसिटी में यहाँ पर यात्रियों को, यहाँ पर पर्यटकों को, यहाँ पर विविध सुविधाएं उपलब्ध कर सके। तो इसीलिए हम लोगों को जैसे टेहरी को लेक सिटी के रूप में डेवलप करना, हम लोगों को यमुना घाटी जो उत्तरकाशी में है उसको एडवेंचर टूरिज्म के डेस्टिनेशन में डेवलप कर देना, अल्मोड़ा नैनीताल का एरिया का इको स्पिरिचुअल जोन के रूप में डेवलप करना, पिथौरागढ़ का एरिया को कल्चरल स्पेस के रूप में डेवलप करना, इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट जो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। और मुख्यतः जो है ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स है, इनके संदर्भ में यह कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा विस्तृत कार्य है।
वहीं हरिद्वार में एक चौंका देने वाला मुकदमा सामने आया है जो कि पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली में योग गुरु बाबा रामदेव पर SC ST एक्ट में कांग्रेसी और दलित समाज द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उनका आरोप है कि योग गुरु बाबा रामदेव दलितों के प्रति भेदभाव की भावना रखते हैं और दलितों पर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा राहुल गांधी को दिए गए बयान पर कांग्रेसियों ने हरिद्वार की कोतवाली क्षेत्र में पहुंचकर बाबा रामदेव के खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की अपील की। वहीं उनका आरोप है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से वे लोग आहत हैं। आज बाबा रामदेव के खिलाफ हमने क्या नाम ज्वालापुर थाने में तहरीर दी है और तहरीर देकर और क्या नाम है SO साहब से कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम इस पर जन आंदोलन करेंगे और सड़कों उतर कर बाबा रामदेव के खिलाफ एक एक्शन लेंगे। वहीं अब विभागीय लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि विभागीय लापरवाही के चलते खनन से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं परेशान वाहन स्वामियों की सुनने वाला कोई नहीं। इधर वाहन स्वामियों ने क्षेत्रीय विधायक से मिलकर मामले को सुलझाने की गुहार लगाई। बताते चले कि कुमाऊं की लाइफलाइन के नाम से जाने वाले गोला नदी के 4 गेट चौगान के लिए 31 अक्टूबर माह में खोल दिए गए, तो वहीं जिसके वाहन स्वामियों की खुशी की हर दौड़ गई और गोला नदी के चौगान में हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है और दूर दराज के इलाकों के लोग भी इससे जुड़े हैं। वहीं परिवहन विभाग एवं वन विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 22 दिनों से वाहन स्वामियों की कागजी कार्यवाही पूरी न किए जाने से सैकड़ों वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, तो वहीं परेशानियों के चलते वाहन स्वामी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अन्य साथी लोग मेरे पास मिले थे, मैंने जिला मजिस्ट्रेट से इस विषय में बातचीत की और ये कहा कि भाई आप 3 दिन 2 दिन इसका टाइम फिक्स कराएं, टाइम बाउंड कराएं। और मैं समझता हूँ कि जिला मजिस्ट्रेट ने मुझे आश्वस्त किया है, डीएम नैनीताल ने कि वो एक निश्चित समय में इन फाइलों को, जितनी रुकी हुई फाइलें हैं उनको निकलवा देंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कल इसका फिर जो है एक बार पुनः जानकारी लूँगा कि कितनी फाइलें रुकी हुई हैं, कितनी निकली हैं। मैंने भी जिलाधिकारी महोदय से यही आग्रह किया कि आप एक बार पूछ लें कि कितनी फाइलें हैं और कितने दिन से हैं, ताकि आपकी जानकारी में रहे और हम उसमें आगे कार्रवाई कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये समस्या कल तक हम निकलवा देंगे। तारीख से लोगों ने पहले पेपर जमा कर चुके हैं, 7 तारीख को मैंने खुद अपनी गाड़ियों के रहे, आज तक पेपर नहीं आए निगम ऑफिस में। इससे गाड़ी मालिक को दोहरी मार पड़ी, तो टैक्सी का और ड्राइवर की तनख्वाह घर से जा रही है और मंदी का दौर है मार्केट में, इससे व्यापारी और वाहन स्वामी परेशान है बहुत। मौसम के बदलाव के साथ ही मौसम के बदलते मधुमक्खियों का प्रकोप सामने आ रहा है और मधुमक्खियों के प्रकोप से काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग में पेड़ों पर भारी तादाद में मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। मौसम में तब्दीली आने के बाद मधुमक्खियों ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके डर से मधुमक्खियों की मौजूदगी वाले रास्तों में लोगों का गुजरना दुभर हो गया है। यहाँ पर ये मधुमक्खी हमला करके कई लोगों को घायल कर चुकी हैं। वहीं कुछ दिन पहले भी सेंट मैरी स्कूल के पास मधुमक्खियों ने हमला कर राहगीरों व स्कूली बच्चों को घायल कर दिया था। वहीं अगर डॉक्टर की माने तो मधुमक्खियों के काटने से इंसान के शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे मरीजों का ब्लड प्रेशर लो हो जाने और डिप्रेशन में जाने के कारण मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे मरीज को काफ़ी तकलीफ होती है और एक आध मधुमक्खी काटने से कोई ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं होती है, मेडिकल हेल्प की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मधुमक्खी ने काट लिया है तो काफ़ी तकलीफ हो जाती है, मरीज को दिक्कत होती है, उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मरीज जो है ज़्यादा काटने से कभी कभी शॉक में भी चला जाता है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फीस बढ़ोतरी के चलते अब आंदोलन दिल्ली के JNU से उत्तराखंड पहुंच चुका है। आपको बता दें कि देहरादून में निजी कॉलेज के छात्र और कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने JNU में छात्रों पर लाठीचार्ज होने का दुखद भी बताया। जिनसे
असंवैधानिक तरीके से बढ़ी हुई फीस ली गई। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को दो मरतबा आदेश किए हैं कि इनकी बढ़ी हुई फीस लौटाई जाए। न सरकार संज्ञान ले रही है, न कुलाधिपति महोदय जो राज्यपाल हैं वो संज्ञान ले रही है। तो क्या हम माने कि राज्य में कानून का राज अब नहीं रह गया है? क्या ये राज्य संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है? तो डिमांड ये है कि 24 घंटे के अंदर हाईकोर्ट के फैसले लागू करते हुए बढ़ी हुई फीस वापस करें। और JNU में पिछले एक दशक से जो प्रचार या दुष्प्रचार के कारण JNU एक फुटबॉल बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए JNU पर व्हाइट पेपर श्वेत पत्र जारी करे, बस सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, हमारी मांग ये है कि उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में जो आयुष और कल को सरकार ने इस नीति का डिसीजन वापस किया है, तो ये अच्छा कदम है। लेकिन आयुष के मामले में सरकार क्यों अपना रुख कड़ा किए गए, क्यों नहीं हाईकोर्ट के डिसीजन को मान रही है, उच्च न्यायालय के फर्स्ट सेकेंड बेंच का आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार त्रिवेंद्र रावत सरकार जो उत्तराखंड के प्रदेश में ज़्यादा बड़ी अपने आप को धर्म नगरी हरिद्वार में 550वें प्रकाश पर्व को लेकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में 550वें पर्व को समर्पित गुरुद्वारे में सिख समुदाय की ओर से जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञान जोधरी गुरुद्वारे में संघर्ष समिति की ओर से अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआ ने हरिद्वार में गुरुद्वार की भूमि देने की मांग की। वहीं संस्था के सचिव त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार वादों को कर रही है, लेकिन गुरुद्वारे के लिए भूमि आवंटन नहीं करवा रही। आज जो है गुरु नानक देव जी का 550वां साल है, उसके लिए हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा थी वो सांझी शिक्षा थी। हिंदू मुस्लिम मुसलमान सबके सांझे गुरु थे। तो इस वक्त जब हमारे पास देखा, आप भी आए हैं, आपने देखा है हमारे पास जो संगत आई है वो सब मिलीजुली संगत है। सब सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। खासतौर पर जब गुरु जी सिंध में गए थे तो सिंध के लोग हैं गुरु जी को बहुत मानते हैं, सिंधी लोग भी इसमें हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमें यहाँ 3 साल से ऊपर हो गए धरना लगा। आपने तो मेरे से सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से ऊपर हो गए यहाँ धरना लगाए हुए, और ज़मीन को हमारे गुरुद्वारे को एक्वायर किए हो गए 35 साल हो गए, और हम 30 साल से ये सर्च कर रहे हैं कि हमें गुरुद्वारे के लिए जगह दी जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु नानक गुरुद्वारा ज्ञान गोली में गुरु नानक जी महाराज का 550वां प्रकाश दिन मना रहे हैं। ये एक्चुअल में 12 तारीख को था, लेकिन पंचपुरी के सब गुरुद्वारों में अलग अलग डेट में मनाया गया। तो आज यहाँ पर आज जो 20 तारीख को गुरु नानक देव जी का मना रहे हैं, वो हम जो उत्तराखंड और यूपी सरकार से चाहते हैं कि ये जो हमारा स्थान जो 1978 में एक्वायर किया गया था, उसके बाद तब से हम अब तक 30 साल हो गए हैं संघर्ष कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आशा थी कि 500 साल तक हमें जगह आवंटित कर दी जाएगी। जो हरिद्वार के रुटकी में नगर निगम के चुनाव को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि ये चुनाव काफी अहम होता है और इसमें जमीनी स्तर के नेता चुनाव लड़ते हैं, जिसके चलते लोगों के जज्बात इस चुनाव से जुड़े होते हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के भेल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरह से चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। आपको बता दें कि हरिद्वार के GPS दौलतपुर के एनुअल फंक्शन के दौरान पहुंचे दीपेंद्र चौधरी ने स्कूल में हो रहे कार्यक्रम की भी जमकर प्रशंसा की। वहीं स्कूल प्रबंधन विकास गोयल ने बताया कि आज जरूरत है कि बच्चों को सही दिशा में ले जाने की। जिस तरह से आज बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मंगल मिशन और शिक्षा का नया आधार पर कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति दी है, उसे समाज में एक संदेश जाने का कार्य भी किया गया है। 24 तारीख को रुड़की नगर निगम की मतगणना है। मतगणना जिन कार्मिकों की करनी है,
दूसरा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें मतगणना संबंधी कार्यों के बारे में विस्तार में उनको ट्रेनिंग दी गई। वही लोगों द्वारा मतगणना का जो वोट है उनकी गिनती की जाएगी 24 को, और उसी आधार पर जो नगर निगम के वार्ड के जो सदस्य हैं और मेयर उनका परिणाम घोषित होगा। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सरकार अब तत्पर है। आपको बता दें कि सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, जिसे लेकर नगर निगम शहर भर में लगातार छापेमारी भी कर रही है। वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि हाल में भी शहर के सरकारी स्कूलों में भी प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर आदेश दिए गए थे, जिस पर कि कई स्कूलों ने नगर निगम का बड़ा सहयोग किया था, जिनको लेकर नगर निगम की ओर से इनाम स्वरूप धनराशि भी देने की बात कही गई थी। जो स्कूल सबसे ज्यादा पॉलिथीन एकत्र करेगा उसको इनाम स्वरूप प्रथम आने वाले स्कूल को 1 लाख और दूसरे स्थान पर आने वाले स्कूल को 50,000 रुपए, साथ ही तृतीय में आने वाले स्कूल को 25,000 इनाम देने की घोषणा नगर निगम की तरफ से की गई थी। ये 15 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी विद्यालयों में प्लास्टिक बैंक एस्टेब्लिश कराया गया था, और ये कहा गया था कि जो विद्यालय सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्रित करके देगा उसे 1 लाख रुपये प्रथम, सेकंड को 50 और थर्ड को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, और इसके रिजल्ट हमने कल घोषित कर दिए। कुल 30 विद्यालयों ने इसमें प्रतिभाग किया था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोभालवाला ने सबसे अधिक 22.5 kg प्लास्टिक दी थी, और सेकंड बाजार लर्निंग इंस्टीट्यूट है, लगभग 19 kg थी, और थर्ड है डोभालवाला उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। इनको क्रमशः फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। मेयर साहब से अनुरोध करूंगा किसी दिन हम लोग विद्यालय में जाकर ही उक्त धनराशि उनको देंगे, उनको सम्मानित करेंगे, और जो अन्य विद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन्हें भी कंसोलेशन प्राइज दी जाएंगे। के विद्यालय में अजीब और गरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें ये पूरा मामला पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय का है, जहां नया मामला सामने आया कि यहां वार्डन शिक्षक द्वारा यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ देर रात फोन करने और उसके साथ लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बात करने का मामला उजागर होने के बाद कुलपति ने जाँच के उपरांत वार्डन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसको स्थानांतरण अल्मोड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ये मामला 1 माह पुराना है। पूरे मामले की जानकारी के लिए कुलपति तेज प्रताप ने प्रशासनिक भवन में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा ने घटना की शिकायत की थी, जिसके बाद मामला उनके संज्ञान में आया। उन्होंने राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल जांच समिति बिठाई, जिसमें पाया गया कि वार्डन शिक्षक शैलेश त्रिपाठी के खिलाफ जांच में तथ्य सही पाए गए हैं, जिस पर उन्होंने कार्यवाही करते हुए उन्हें अल्मोड़ा इकाई के लिए स्थानांतरण कर दिया है। और अभी के लिए लाइव उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।